जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी की और एक नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में आपका चयन किसी भी फोर्स में हुआ है तो दोस्तों आपको उसकी जो प्रमोशन होती है वो कितने साल बाद, यानी आपका पहला प्रमोशन कब आएगा और कितने साल आपको लग सकते हैं, और आप अगर जल्दी प्रमोशन पाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये भी लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, जितने साल आपको लगेंगे उस के हिसाब से नंबर थर्ड पे यहां पर रखा है मैंने दोस्तों एनसीबी और एसएसएफ, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसका, और एसएसएफ यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट फोर्स का जो मेरिट है दोस्तों वो बहुत हाई गया है इस बार, और उसकी जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छी है तो इस कारण उसका जो मेरिट हाई जाता है। लेकिन प्रमोशन की बात करें दोस्तों तो जो सबसे ज्यादा लेट प्रमोशन होता है वो एनसीबी और एसएसएफ में होता है। वो क्यों होता है दोस्तों? एक तो छोटा परिवार यानी छोटी फोर्स होने की वजह से यहां पर जो अदर जो एडिशनल इनमें जो यूनिट्स होती है वो ही होने के कारण क्या होता है, इसमें प्रमोशन थोड़ा सा धीरे चलते हैं, तो जिस कारण आपको इसमें लगभग 20 साल आपको मान लीजिए एसएसएफ और एनसीबी में लग सकते हैं। दोस्तों, इसकी ड्यूटी की तुलना करें तो ड्यूटी इसकी बहुत अच्छी है, आपको प्रमोशन की कुछ भी यहां पर कमी महसूस नहीं होगी और आप बहुत आराम से नौकरी एनसीबी और एसएसएफ में कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, दो नंबर की बात करें, जो दो नंबर की फोर्सेस है उसमें दो तीन फोर्स मैंने लिया है जिसमें कि लगभग आपको एवरेज समय प्रमोशन जो आपका पहला प्रमोशन है हवलदार बनने का वो लगने वाला है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आसाम राइफल को मैंने इस दो नंबर की कैटेगरी में रखा है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग मान लीजिए 20 से 22 साल का समय आपको जो आपका पहला प्रमोशन है हेड कांस्टेबल बनने में आपको लग सकता है। दोस्तों, बीएसएफ और सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और आपको बता दूं इनकी यूनिट इतनी बड़ी है मतलब बहुत बड़ा परिवार होने की वजह से आपको थोड़ा सा प्रमोशन होने में आपको देरी लग सकती है, जिसमें आपको सीआईएसएफ और आसाम राइफल भी आपको इसी में ही आता है। तो दो नंबर की जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, इसमें आपको थोड़ा सा प्रमोशन पाने में यानी पहला जो प्रमोशन है आपको थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, लेकिन आपको प्रमोशन की चिंता नहीं करनी है दोस्तों, वो आपका जब आना होगा वो कभी भी मतलब जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपका आ ही जाएगा। तो दोस्तों, इसकी चिंता नहीं करनी है, कोई सी भी फोर्स मिली है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत आपको आगे फर्दर उसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका उसमें होगा, और आपको और भी कई सारी एग्जाम्स है जिसको आप पास करने के बाद और भी ऊंची रैंक में जा सकते हो, वो जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं, नंबर एक में आता है दोस्तों जिसमें सबसे फास्ट प्रमोशन है वो फोर्स कौन सी है, तो वो फोर्स है दोस्तों एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, और दूसरा है दोस्तों आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये दो फोर्स ऐसी जिसमें बहुत जल्दी प्रमोशन मतलब मान लीजिए एज आप अगर कांस्टेबल इसमें ज्वाइन करते हो तो आपका पहला जो प्रमोशन है हेड कांस्टेबल वो आपका लगभग 10 से 12 साल में आप हवलदार बन जाओ, यानी हेड कांस्टेबल का जो आपका पहला प्रमोशन है वो एसएसबी और आईटीबीपी में आपका 10 से 12 साल में आपका आ जाएगा। अगर बहुत भी लेट हुआ तो आपका 15 साल के अंदर तो आप हवलदार आराम से बन जाओगे। और दोस्तों, आगे जो बात करें आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो भी इसमें आप 20-25 साल तक आप एज एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप इसमें बन सकते हो। तो ये तो रहा दोस्तों तीन नंबर में जो प्रमोशन की बात करें एनसीबी और एसएसएफ, दो नंबर पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, और एक नंबर पे जो सबसे फास्ट प्रमोशन जिसमें आता है वो फोर्स है दोस्तों एसएसबी और आईटीबीपी, जिसमें बहुत फास्ट प्रमोशन आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इसमें फर्दर फ्यूचर कैसे ढूंढना है और कैसे आपने आपको आगे बढ़ना है, अगर आप में पोटेंशियल है, आप अगर अच्छे कुछ तैयारियां कर सकते हो और आपके आपको थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो तो दोस्तों आपको इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है। और वो कैसे दोस्तों, आपके जैसे ही आफ्टर ट्रेनिंग आप जब यूनिट में जाते हो और आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहां पर आपको बहुत मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। वो कैसे दोस्तों, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे कि एलडीसी एग्जाम अगर आप पास कर जाते हो जो कि केवल डिपार्टमेंटल जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए होती है, तो आप वहां से आराम से सब इंस्पेक्टर जो होता है जो कि आपको 30 साल लग जाएंगे बनने में, वो आप केवल 3 साल के बाद डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, और उसके बाद आप असिस्टेंट कंपनी कमांडर यानी असिस्टेंट कमांडर की जो पोस्ट होती है कंपनी कमांडर की वो एग्जाम भी आप दे सकते हो और आप एज ए ऑफिसर अदर जो फोर्सेस है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी जो एग्जाम्स होती है वो क्लियर आप कर सकते हो, जिसका बाहर से आपको फाइट नहीं करना होता है, मतलब बाहर की जो सिविल कॉम्पिटिशन होती है उससे आपको फाइट नहीं करना होता है, आपको केवल अपने जो आपके जो सिविल बंदे छोड़कर जो डिपार्टमेंटल कैडेट्स होते हैं उनके साथ आपको कंपटीशन करना होता है, जो कि बहुत कम कंपटीशन इसमें होता है, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आपको जो कंसेप्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्रमोशन का वो समझ में आया होगा। इसी के साथ आप जल्द से जल्द अगला मतलब 3 साल के बाद आप कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक दीजिए आपके फौजी भाई को इजाजत, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, अपना
अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।